हिंदी फिल्मों में कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक ऐसा सितारा जिसने सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक के रूप में ख्याति पाई, और वो थे अभिनेता राज कपूर। राज कपूर ने अपनी शुरुआती फिल्मों में प्रेम कहानियों को मादक अंदाज में पर्दे पर पेश किया, जिनकी मिसाल से सोवियत संघ और मध्य पूर्व में लोकप्रियता दंत कथा बन चुकी है। उनकी फिल्मों की कहानियां आमतौर पर उनके जीवन से जुड़ी होती थी और अपनी ज्यादातर फिल्मों के नायक वे खुद होते थे। आज कीर्ति शेष में बात करेंगे बॉलीवुड के द ग्रेटेस्ट शोमैन और अभिनेता राज कपूर की। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर में हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ। उनके जन्म के समय पेशावर भारत का ही अंग था। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर भी एक महान अभिनेता रहे, जिन्हें हिंदी सिनेमा का पितामह माना जाता है। राज 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके दोनों भाई शशि कपूर और शमी कपूर भी अपने दौर के दिग्गज अभिनेता रहे हैं। राज कपूर को इंडियन सिनेमा का शोमैन कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स और 11 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए। राज कपूर ने 11 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में इंकलाब में अभिनय की शुरुआत की, जबकि उस समय वे बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में सहायक का काम करते थे। राज कपूर का फिल्मी सफर हिंदी सिनेमा की विनस कही जाने वाली अभिनेत्री मधुबाला के साथ शुरू हुआ। 1947 में उन्होंने फिल्म नीलकमल, चित्तौड़ विजय और दिल की रानी में नायक की भूमिका अदा की। नीलकमल में नाम कमाने के बाद 1949 में राज कपूर की बरसात ने हिट होकर सफलता के झंडे गाड़ दिए। जागते रहो फिल्म को लेकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ग्रैंड प्री पुरस्कार भी मिला। अनाड़ी के लिए राज कपूर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजे गए। वास्तव में वो एक हरफन मोला सीने व्यक्तित्व थे, जो हर वर्ग के दर्शक को अपनी ओर खींच लेते थे। 2 जून 1988 को इस दुनिया से अलविदा हो गए, लेकिन दिलों में राज कपूर अब भी जिंदा है। ऐसी अमरता बहुत कम लोगों को हासिल होती है। राज कपूर ने अपनी महानतम फिल्म मेरा नाम जोकर में गाया भी था, जो उनके नहीं होने पर भी हमारे बीच होने का एहसास कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन टीवी न्यूज़।